हरे कृष्णा। धाम जाने से पहले ये बातें जरूर सुने। नंबर एक, जिस धाम में जाएं वहाँ के जो इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, उनके बारे में, धाम के महिमा के बारे में, वहाँ के पवित्र स्थलों के बारे में अवश्य जान ले, ताकि आपके मन में धाम की जो महिमा है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। सेकंड, धाम में पिकनिक के भाव से न जाएं, घूमने मत जाइए, यात्रा दर्शन के भाव से जाएं। ये मन में सोचिए कि ये जो स्थल है धाम के, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है, वैसे पवित्र स्थल ही है, भक्त और भगवान दोनों यहाँ पर वास किए हैं, भगवान ने अपने भक्तों के साथ लीला की है, ऐसी महान धाम में मैं आया हूँ, ऐसा मन में भाव रखिए। थर्ड, कभी भी धाम में किसी का भी अपराध मत कीजिए, निंदा से बचे, कभी भी दूसरों की निंदा मत कीजिए। फोर्थ, क्योंकि जो भी यहाँ पर आए हैं भगवान की इच्छा से ही आए हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कोई धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, और हम किसी की चुगली करें, किसी के बारे में बुरा भला कहें, तो भगवान को पसंद नहीं आएगा। फिफ्थ, धाम में ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जाप कीजिए, क्योंकि हरि नाम कलयुग का आधार है। सिक्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवन्थ, महादेव के धाम में जो जा रहे हैं तो महादेव को क्या पसंद है उसका ख्याल रखें, उन्हें राम नाम पसंद है तो राम नाम का जाप कीजिए। एट, धाम में जाकर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, ऐसा ही है वैसा है, कुछ सुविधा नहीं मिली, ये इससे बचिए, सुविधा चाहिए तो घर में ही रहना चाहिए। धाम में हम तप करने को जाते हैं, वैसे भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो मिलता है उसमें एडजस्ट हो जाइए, भक्तों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, सेवा भाव, क्योंकि धाम में जो भी आए हैं भक्त ही हैं, तो फिर भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, आपसे बन पाए उतनी सेवा कीजिए। धाम में कभी भी आप एक माला भी जाप करेंगे तो सेवा करोगे तो उसका 1000 गुना माना जाता है, तो वैसे ही याद रखिए कि पाप निंदा करोगे तो उसका भी 1000 गुना ही माना जाएगा। आप सावधान रहिए कि कोई अपराध न हो जाए, पाप का काट हो सकता है लेकिन अपराध का नहीं, और वैष्णव अपराधों से बचिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हरे कृष्णा।